अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल टिश्यूज़ एंड मेम्ब्रेन्स, और ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 का यूनिट 3 है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होंगे इसमें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सेल, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन माइटोसिस एंड मियोसिस, ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, क्लासीफाई द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर लोकेशन एंड फंक्शन इन टू द फॉलोइंग 4 मेजर टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़। इन सारों के हम सब टाइप्स भी देखेंगे। सेल डेफिनेशन: सेल आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, ईच ऑफ विच हैज़ अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एग्जाम्पल ब्लड, मसल, बोन। से सेल्स क्या है, एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है बॉडी का, और ये कंबाइन होते हैं या ग्रुप बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ब्लड हो गया, मसल हो गया, बोन हो गया। सेल स्ट्रक्चर: सेल कंसिस्ट ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड विच देर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स फ्लोटिंग इन अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड साइटोसोल। सो ये सेल्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि उसके और उसके अंदर होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, और वाटरी फ्लूइड को साइटोसोल कहा जाता है। Organelles are small structures with highly specialized functions, many of which are continued within a membrane. Organelles जो होते हैं small structures होते हैं, highly specialized function करते हैं membrane के ऊपर भी and अंदर भी। They include the nucleus, mitochondria, ribosomes, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, microfilaments and microtubules। ये सारे organelles हैं cells के अंदर जो होते हैं। ये सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें देखा जा सकता है लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये एक और पिक्चर दी गई है सेल्स की, आप इसको देख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन: प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जो कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है, और मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं मॉलिक्यूल्स के, और इसके हेड और टेल होता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि इसका क्या काम है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन: द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फैटी सब्सटेंसेस विद सम प्रोटीन्स एम्बेडेड इन देम। से फॉस्फोलिपिड यानी कि फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, और इनमें कुछ प्रोटीन भी एम्बेडेड होती है। Those that exert all the way through the membrane may provide channels that allow the passage of, for example, electrolytes and non-lipid soluble substances, जो कि उसके अंदर से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए पैसेज बनता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का और नॉन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस का आने और जाने का। द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैव अ हेड विच इज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड हाइड्रोफिलिक, मीनिंग वाटर लविंग। उसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग है, एंड द टेल विच हैज़ नो चार्ज एंड इज़ हाइड्रोफोबिक, मीन वाटर हीटिंग। और उसकी जो टेल है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो हाइड्रोफोबिक है, जिसका मतलब है वाटर हीटिंग। द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। से जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं वो सेवरल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, क्या है देखते हैं। फर्स्ट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। पहले तो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स को बचाता है सराउंडिंग से। दे कीप टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउट ऑफ द सेल, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को सेल से आउट रखता है। दे कंटेन रिसेप्टर्स एंड चैनल्स दैट अलाउ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स सच एज आयंस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स दैट मीडिएट सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटीज टू पास बिटवीन ऑर्गेनेल एंड बिटवीन द सेल्स। और उनके अंदर रिसेप्टर्स या चैनल्स बने होते हैं कि जो कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स या आयंस को अंदर जाने देते हैं और बाहर जाने देते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। इसमें देख सकते हैं जो चैनल्स बने होते हैं, इनके जरिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर इससे आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर एनवेलप विद पोर्स, न्यूक्लियाई एंड क्रोमोसोम्स विच एग्जिट एज अ टेंगल्ड मास ऑफ अ क्रोमेटिन इन इंटरफेस सेल्स। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के बाहर यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जो कि जिसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं और उसके अंदर क्रोमोसोम होता है। सही है।
द फंक्शनल सब यूनिट ऑफ क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड जीन्स. जो क्रोमोजोम का सब यूनिट है वो जीन्स कहलाते हैं. ईच सेल कंटेन द टोटल कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीन्स रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज ऑल द प्रोटीन इन द बॉडी, बट मोस्ट वो सेल्स सिंथेसाइज ओनली द डिफाइंड रेंजेस ऑफ प्रोटीन दैट आर अप्रोप्रिएट टू देयर ओन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. दिस मीन्स दैट ओनली पार्ट ऑफ द जीनोम और जेनेटिक कोड इज़ यूज बाई ईच सेल. हालांकि हर सेल के अंदर कॉम्प्लीमेंट होता है कि वो सिंथेसिस कर सकता है प्रोटीन की, बट वो स्पेसिफिकली सिंथेसाइज करता है अपने फंक्शन के हिसाब से. या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर्स देख सकते हैं, न्यूक्लियर प्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप एंड आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन मटेरियल डीएनएस के अंदर मौजूद है, एंड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस फंक्शन, इट कंट्रोल्स द हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यह हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करता है ऑर्गेनिज्म के. इट मेन सेलुलर मेटाबोलिज्म थ्रू कंट्रोलिंग सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर एंजाइम्स. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के, सेल डिवीजन के एंड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के. स्टोर हेरिडिटरी मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA स्ट्रैंड. सही, और स्टोर करता है हेरिडिटरी मटीरियल को DNA की फॉर्म में. माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर सॉसेज शेप स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म, समटाइम्स डिस्क्राइब एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि सॉसेज शेप स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और उनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. दे आर इन्वॉल्व इन एरोबिक रिस्पायरेशन, द प्रोसेस बाई विच केमिकल एनर्जी इज मेड अवेलेबल इन द सेल. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ATP विच रिलीज एनर्जी वेन द सेल ब्रेक्स इट डाउन. सिंथेसिस ऑफ ATP इज मोस्ट एफिशियंट इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, अ प्रोसेस रिक्वायरिंग ऑक्सीजन. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एरोबिक रिस्पायरेशन करता है कि जिसमें केमिकल एनर्जी को करता है, ATP की फॉर्म में वो रिलीज करता है जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है. ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी मेम्ब्रेन होती है क्रिस्टिया होता है, एंड स्टाल ग्रेन्यूल बॉडी होती है मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एनर्जी. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस द मोलिकुलर आइडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट ATP, वन ऑफ द सेल्स एनर्जी करेंसीज दैट प्रोवाइड द एनर्जी टू ड्राइव अ होस्ट ऑफ सेलुलर रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स. से मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि वो ATP बनाता है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. द सिंपलर मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूट्रिशन आर सेंट टू द माइटोकॉन्ड्रिया टू बी प्रोसेस्ड एंड टू प्रोड्यूस चार्ज मॉलिक्यूल्स. दिस चार्ज मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस ATP मॉलिक्यूल्स. दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन. सही, इसमें क्या है कि जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूट्रिशन के, वो भेज दिए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, और वो उनको प्रोसेस करता है और चार्ज्ड मॉलिक्यूल बना लेता है. और जब वो चार्ज मॉलिक्यूल बना लेता है तो उससे ऑक्सीजन के साथ उसको ATP मॉलिक्यूल में बना देता है, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन कहा जाता है उसको. माइटोकॉन्ड्रिया में आल्सो प्रोड्यूस हीट, ब्राउन फैट एंड अकोमोलेट आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स, हेमफेरेटिन आयोन्स ऑफ Ca2+ and HPO4-2-. और फॉस्फेट एग्जाम्पल ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ बोन और ऑर्गेनेल प्रोटीन्स. नंबर फोर, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प द सेल्स टू मेंटेन द प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस विद इन द कंपार्टमेंट ऑफ द सेल्स. ये माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है कि वो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस सेल्स के अंदर या सेल के कंपार्टमेंट्स के अंदर एक प्रॉपर मेंटेन करके रखें. नंबर फाइव, द माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हेल्प इन बिल्डिंग सर्टेन पार्ट ऑफ ब्लड एंड हॉर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन बनाने में मदद देता है. द लिवर सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम्स दैट डिटॉक्सिफाई ऑन अमोनिया. द माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस और प्रोग्राम सेल डेथ में भी माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है. राइबोसोम्स, these are tiny granules composed of RNA and protein. They synthesize protein from amino acids using RNA when present in free as the templates. ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, टाइनी ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि RNA एंड प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और ये सिंथेसाइज करते हैं अमाइनो एसिड्स को RNA के ज़रिए. सही, और फ्री एज अ टेम्पलेट बनाते हैं.
यूनिट्स और इन स्मॉल क्लस्टर्स इन द साइटोप्लाज्म द राइबोसोम्स मेक प्रोटीन फॉर यूज विद इन द सेल, और ये प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि सेल के अंदर यूज की जा सकती है। सी राइबोसोम्स देख रहे हैं, छोटे छोटे ये राइबोसोम्स हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल्स इन द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि एक कनेक्टेड इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। देर आर टू टाइप्स, स्मूथ एंड रफ, दो टाइप के हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहते हैं, सिंथेसाइज लिपिड्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड इज आल्सो एसोसिएटेड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है लिपिड्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स और डिटॉक्सिफिकेशन करता है कुछ ड्रग्स की। रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, स्टडीड विद राइबोसोम्स, दीज आर द साइट्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दैट आर एक्सपोर्टेड एक्सट्रूडेड फ्रॉम सेल्स, आई एंजाइम्स एंड हार्मोन दैट पास आउट ऑफ देयर पेरेंट सेल टू बी यूज्ड बाय द अदर सेल्स इन द बॉडी। सही नहीं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें आप देख सकते हैं कि राइबोसोम्स के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये नीचे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। गोल्जाई अपरेटस, द गोल्जाई अपरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ क्लोजली फोल्डेड। से गोल्जाई अपरेटस क्या होते हैं, फोल्डेड स्टैक्स होते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स बट इज लार्जर इन दोज दैट सिंथेसाइज एंड एक्सपोर्ट प्रोटीन्स। The proteins move from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus where they are packed into the membrane-bounded vesicles called secretory granules. And Golgi apparatus क्या करता है, जो भी उसको proteins आया होता है endoplasmic reticulum से उसकी packing करता है और उसको secretory granules बना देता है। The vesicles are stored and when needed move to the plasma membrane through which the proteins are exported. और ये वेसिकल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेता है और जब भी ज़रूरत होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसको एक्सपोर्ट कर देता है प्रोटीन को। ये गोल्जी अपरेटस है, ये सिस फेज, ट्रांसफेज, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल और सेक्रेटरी वेसिकल। ट्रांसफेज से यानी कि सिस फेज से अंदर आता है और ट्रांसफेज से बाहर जाता है, पैक हो गया। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स आर वन टाइप ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स फॉर्म बाय द गोल्जी अपरेटस। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स होता है जो कि गोल्जी अपरेटस ने बनाया होता है। दे कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकिंग डाउन फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनेल एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। से जो कि यानी कि एक वैरायटी ऑफ एंजाइम्स को यानी कि ब्रेक डाउन करता है फ्रेगमेंट्स और ऑर्गेनेल्स को, जिस तरह DNA, RNA, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इनको तोड़ता है। Inside the cell into smaller particles that are either recycled or extruded from the cell as waste materials. या उनको recycle कर देता है या उनको पूरा बाहर निकाल देता है cell से waste material के तौर पर। Lysosomes in white blood cells contain enzymes that digest foreign materials such as microbes. Lysosomes white blood cells के अंदर भी मौजूद होते हैं जो कि digest करते हैं foreign material को या microbe को या pathogen को जो बाहर से हमारी body के अंदर आया हुआ होता है। ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है, लिपिड लेयर, मेम्ब्रेन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर एंड ग्लाइकोसिलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, दीज आर टाइनी स्ट्रैंड्स ऑफ प्रोटीन दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन द करेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, एक प्रोटीन स्ट्रैंड होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और करेक्टर मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल की। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द सेल ऑफ ऑर्गेनेल विद इन द सेल, द मूवमेंट ऑफ सीलिया, स्मॉल प्रोजेक्शंस फ्रॉम द फ्री बॉर्डर ऑफ सम सेल्स एंड पॉसिबली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन टू द इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। से माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं कि ये नहीं कि मूवमेंट में हेल्प देते हैं हमें। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ सोमेटिक बॉडी सेल्स, एंड मियोसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ गैमेट्स यानी कि सेक्स सेल्स। यानी कि बॉडी सेल्स की डिवीजन हमारी माइटोसिस कहलाती है और सेक्स सेल्स की डिवीजन मियोसिस कहलाती है।
माइटोसिस की फेजेस 5 फेजेस हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एक एक फेज करके देखते हैं किस फेज में क्या होता है। फर्स्ट इंटरफेज, इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन, सेल प्रिपेयर टू डिवाइड जेनेटिक मटीरियल्स डबल। ये सेल प्रिपेयर होता है डिवाइडिंग के लिए और जेनेटिक मटीरियल डबल हो जाता है। सेकेंड फेज प्रोफेज, क्रोमोजोम्स पेयर अप, क्रोमोजोम पेयर अप कर लें, क्रोमोजोम थिकन एंड शॉर्टन, क्रोमोजोम्स थिक होते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं, बिकम्स विजिबल, टू क्रोमेटिड्स ज्वाइन बाय अ सेंट्रोमेयर, सेंट्रियोल्स मूव टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिसअपेयर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट। इसमें आप देख सकते हैं। थर्ड हमारे पास मेटाफेस, क्रोमोजोम्स मीट इन द मिडल, क्रोमोजोम बीच में मिलते हैं, क्रोमोजोम अरेंज्ड एट इक्वेटर ऑफ सेल, बिकम अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स एंड सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम्स डू नॉट एसोसिएट। सही है, मेटाफेस। नंबर फोर एनाफेस, क्रोमोजोम्स गेट पुल्ड अपार्ट, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग क्रोमेटिड्स टू द अपवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। फाइव टीलोफेज, नाउ देर आर टू क्रोमोजोम्स अनकॉइल, स्पिंडल फाइबर्स डिसइंटीग्रेट, सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स एंड सेल डिवाइड हो जाता है, इससे के दो सेल्स बन जाते हैं। फिर से जो पेरेंट सेल्स है, फिर प्रोफेज कि पहले स्पिंडल फाइबर्स बनता है और जो इनका न्यूक्लियर नर्व होता है वो भी चला जाता है। फिर प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में देखो कि जब स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं और मेटाफेज में बीच में लाइन बना लेते हैं, एनाफेज में दोनों एक एक दूसरे की तरफ साइडों पे चले जाते हैं और टेलोफेज में दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। उसके बाद होमोलोगस, ये जो माइटोसिस और मियोसिस को किससे डिफरेंट करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है उसके बाद माइटोसिस या मियोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है, डिप्लॉयड डॉटर सेल्स आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल एंड टू ईच अदर, और मियोसिस में क्या होता है, हैप्लॉयड डॉटर सेल्स नो आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल नो टू ईच अदर, और हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बन जाते हैं। सेकेंड फेज हमारा मियोसिस इनकी उसी तरह होगा ये सारा, लेकिन इसमें क्या होगा, फोर डॉटर सेल्स बनेंगे, इसमें ईच डॉटर सेल हैज़ हाफ द क्रोमोजोम्स ऑफ द पेरेंट, टू सेट ऑफ सेल डिविजन इन्वॉल्व। फिर इसको आप देखें मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है कि पहले तो वही, इसमें भी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, सही। उसके बाद क्या होता है कि इनके सेकेंड फेज भी होते हैं, इनका प्रोफेस टू, मेटाफेस टू, एनाफेस टू, फिर टीलोफेस टू, इसमें फोर डॉटर सेल्स बनते हैं, उसमें दो बन रहे थे, इसमें चार बन रहे हैं। सेल डिविजन, सेल डिवीजन इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट इन द बॉडी। सेल डिवीजन के क्या होते हैं कि जब न्यू सेल्स बनते हैं ग्रोथ के लिए, कोई रिपेयरमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए हमारी बॉडी के अंदर, दिस प्रोसेस इंक्लूड्स डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियर मटीरियल्स एंड डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, कि जिसमें डिवाइड होता है न्यूक्लियर मटीरियल डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। All cells in the body, somatic cells except those that give rise to the eggs and sperm, gametes reproduce by mitosis. See, जो कि sperms या eggs को वो दे के rise देते हैं या produce करते हैं तो वो mitosis से करते हैं। Egg and sperm cells are produced by a special type of nuclear division called meiosis, in which the number of chromosomes is half. Division of the cytoplasm is called cytokinesis. जब भी cytoplasm की division को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। सोमैटिक सेल्स रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस विच रिजल्ट इन टू सेल्स आइडेंटिकल टू द वन पार्ट सेल। से सोमैटिक सेल्स होते हैं जो के प्रोड्यूस है माइटोसिस से, और ये टू सेल्स आइडेंटिकल होते हैं टू द वन पेरेंट सेल। इंटरफेस इज द पीरियड बिटवीन सक्सेसिव सेल डिवीजन। से इंटरफेस एक वो फेज है जो कि सक्सेसिव सेल डिवीजन में मदद देता है। It is the longest part of the cell cycle. The successive stage of mitosis are successive stage कौन सी, जिसमें successfully बन जाएगा सेल, prophase, metaphase, anaphase and telophase. Cytokinesis division of the cytoplasm occur during telophase, जिसमें cytoplasm divide हो जाता है, और nucleus divide जब होता है तो उसको karyokinesis कहा जाता है।
डिवीजन दैट ऑकर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स और एग्स एंड स्पर्म. These cells have only 23 chromosomes, one half the number found in somatic cells, so that when fertilization takes place, the resulting cell will again have 46 chromosomes, 23 from the egg and 23 from the sperm. यानी कि fertilization के लिए दोनों से half half जाएंगे, mother से भी 23 आएंगे, father से भी 23 आएंगे, तो आखिर में 46 chromosomes पूरे बन जाएंगे. ह्यूमन बॉडी टिश्यूज से जिसमें हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, स्मूथ टिश्यू, कार्डियक मसल्स एंड नर्वस टिश्यू. बॉडी टिश्यूज, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट. टिश्यू क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर, जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो और वो सिमिलर फंक्शन करते हों सारे सारे मिलकर. अ नॉन लिविंग मटीरियल कॉल्ड द इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फिल्स द स्पेसिस बिटवीन द सेल. ये नॉन लिविंग मटीरियल जो कि होता है जिसको इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, जो कि स्पेसिस को फिल करता है सेल्स के अंदर. दिस मे बी अबंडेंट इन सम टिश्यूज एंड मिनिमल इन अदर्स. टाइप्स ऑफ टिश्यूज, देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज ईच ऑफ विच हैज सब डिविजन्स. फर्स्ट हम एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम जिसको कहा जाता है, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मसल टिश्यू एंड फोर नर्वस टिश्यू. इन सारों को देखते हैं एक एक करके, उनकी सब डिविजन्स को भी देखते हैं. ये हिस्टोलॉजिकल इमेजेस ऑफ वेरियस टिश्यूज इन द बॉडी, बोन की, कार्टिलेज की, ये हिस्टोलॉजिकल इमेजेस हैं. बोन, कार्टिलेज, एडिपोस टिश्यू, स्किन, इंटेस्टिनल विलाय, न्यूरल टिश्यू, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल. एपिथेलियल टिश्यू, दिस ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स. से ये ग्रुप टिश्यूज है जो कि कवर करता है बॉडी की लाइनिंग को, कैविटीज को, ट्यूब्स को. इट इज फाउंड इन आल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स में भी पाया जाता है. द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथीलियम इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, और इसका एपिथीलियम का जो कि फंक्शन होता है वो इससे रिलेट करता है. विच इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, प्रोटेक्शन करता है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स की, फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रेशन या केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज से, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन. एपिथीलियल टिश्यू में भी, एपिथीलियल टिश्यू के भी तीन टाइप्स हैं, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड एंड सिंपल एपिथीलियम. सिंपल क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है. स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, सेवरल लेयर ऑफ सेल्स. उसके बाद हमारे पास सिंपल एपिथीलियम आता है. इसकी सब टाइप्स में सिंपल एपिथीलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स एंड इज डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स. सिंपल एपिथीलियम एक सिंगल लेयर आइडेंटिकल सेल होता है और इसको फोर टाइप्स में और डिवाइड किया गया है. इट इज़ यूजली फाउंड ऑन एब्जॉर्प्टिव और सिक्रेटरी सर्फेसिस वेयर द सिंगल लेयर इन्हेंसेज दिस प्रोसेस एंड नॉट यूजली ऑन द सर्फेस सब्जेक्ट टू स्ट्रेस. द टाइप्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सेल्स विच डिफर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. द मोर एक्टिव द टिश्यू द टालर आर द सेल्स, कि जितना टिश्यू एक्टिव होगा उतना ही टालर सेल होगा. टाइप्स ऑफ एपिथीलियम हमें कितनी है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम एंड सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम. फर्स्ट हमारे पास स्क्वामस पेवेंट एपिथीलियम, दिस इज कम्पोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स. ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स होता है. द सेल्स फिट क्लोजली टुगेदर लाइक फ्लैट स्टोन्स फॉर्मिंग अ थिन एंड वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन, और ये बहुत क्लोजली पैक होते हैं जो इसको फ्लैट स्टोन की तरह देखते हैं, और इनकी थिन होती है वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन टेक प्लेस फ्रीली थ्रू दिस थिन लाइनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स से, और डिफ्यूजन इनकी होती है, इनकी किस किस जगह पर पाए जाते हैं, उनकी मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होती है. स्क्वामस एपिथीलियम से हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, alveoli of the lungs, where it is also known as endothelium. और alveoli lungs में ये जो इसको endothelium भी कहा जाता है. cuboidal, cubical epithelium, this consists of cube-shaped cells fitting closely together lying on a basement membrane. It forms the tubules of the kidneys and is found in some glands. See? जो कि ट्यूब्यूल्स बनाता है किडनी के, और ये सब ग्लैंड्स में भी पाया जाता है. क्यूबॉइडल एपिथीलियम इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रेशन में. सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में ये एक्टिवली पाया जाता है, इन्वॉल्व होता है.
नंबर थ्री, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, दिस इज फॉर्म बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रेक्टेंगुलर इन शेप ऑन अ बेसल मेम्ब्रेन इट इज़ फाउंड। सही, बेसल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, रेक्टेंगुलर इन शेप होता है और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है इनकी। नंबर फोर, सिलिएटेड एपिथेलियम, दिस इज फॉर्म बाय कॉलमनर सेल्स ईच ऑफ विच हैज़ मैनी फाइन हेयर लाइक प्रोसेस कॉल्ड सीलिया। से कॉलमनर सेल्स होते हैं जो फॉर्म बाय कॉलमनर सेल्स से बने हुए होते हैं और इनके फायर हेयर लाइक प्रोसेस होते हैं जिनके सीलिया कहा जाते हैं। द सीलिया कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द फ्री बॉर्डर लोमिनल बॉर्डर ऑफ द कॉलमनर सेल्स। से सीलिया किससे बने, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं फ्री बॉर्डर तक ये बाहर की तरफ। द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मैनी सीलिया प्रोपेल्स द कंटेंट ऑफ ट्यूब्स विच दे लाइन इन वन डायरेक्शन ऑनली। सही, और इन सीलिया या क्यू एक मूवमेंट होती है जो कि एक ही डायरेक्शन की तरफ बाहर की तरफ जाती है। सिलिएटरी एपिथेलियम इज फाउंड लाइनिंग द यूट्राइन ट्यूब्स एंड मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज। रेस्पिरेटरी पैसेजेस के अंदर हमारा कॉलमनर एपिथेलियम होता है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस हमारे मुंह के अंदर जो भी कचरा वगैरह हमें नाक के अंदर भर जाता है या हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में आ जाता है तो वो उसके सीलिया की तरफ बाहर की तरफ मूवमेंट कर करके उसके बाहर निकाल दिया जाता है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस शेप्स। से सेवरल लेयर्स होती हैं और उसकी वेरियस शेप्स होती हैं। द सुपरफिशियल लेयर ग्रो अप फ्रॉम बिलो, बेसमेंट मेम्ब्रेन आर यूजली एबसेंट। द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इज टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स फ्रॉम मैकेनिकल वेयर एंड टेयर। से स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है कि वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। देर आर टू मेन टाइप्स, इसके भी दो मेन टाइप्स हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, दिस इज कम्पोज ऑफ अ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स रिप्रेजेंटिंग न्यूली फॉर्म्ड एंड मेच्योर सेल्स। इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ द सेल्स आर मेनली कॉलमनार एज दे ग्रो टूवर्ड द सर्फेस दे बिकम फ्लैटेंड एंड आर थिन देन शेड। ये डीपेस्ट लेयर होती है जो कि मेनली कॉलमनार की होती है और ये सरफेस की तरफ ग्रो करती है और फ्लैटेंड हो जाती है एंड देन शेड चली जाती है। नॉन कंटीन्यूअस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, दिस इज फाउंड ऑन वेट सर्फेसिस दैट मे बी सब्जेक्टेड टू वेयर एंड टेयर बट आर प्रोटेक्टेड बाय फ्रॉम डाइंग। एग्जाम्पल द कंजक्शन ऑफ द आइज, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द फेरिंग्स, द इसोफेगस एंड द वजाइना। यहाँ पे नॉन कंटीन्यूअस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। Keratinized stratified epithelium, this is found on dry surfaces. ये dry surfaces पाया जाता है, are subjected to wear and tear, यानी कि skin, hair and nails पर। The surface layer consists of dead epithelial cells to which the protein keratin has been added. सही, और ये यानी कि surface layers होती हैं जो कि dead epithelial cells होते हैं हमारे hair, skin and nails पर। This forms a tough, relatively waterproof protective layer that prevents dying from underlying layer cells. सही, और ये क्या फॉर्म करते हैं, एक टाइट यानी कि टफ वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव लेयर बनाती हैं। द सरफेस लेयर ऑफ स्किन इज रब्ड ऑफ एंड इज रिप्लेस्ड फ्रॉम बिलो। सही, ऊपर से रब हो जाता है जब तो नीचे से न्यू स्किन आ रही होती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दिस इज कम्पोज ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पेयर शेप्ड सेल्स एंड इज फाउंड लाइनिंग द यूरिनरी ब्लैडर। इट अलाउज द स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लडर फिल्स। ही और ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमारे यूरिनरी ब्लडर में पाया जाता है जो कि स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर। द सेल्स फॉर्मिंग द कनेक्टिव टिश्यू आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन दोज फॉर्मिंग द एपिथेलियम एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन कंसिडरेबली लार्ज अमाउंट्स। से कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है मोर वाइडली, यानी कि एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं या एपिथेलियम के इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस के ज़्यादा, यानी कि इनमें लार्जर अमाउंट मौजूद होती है। मेजर फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड इंसुलेशन। लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू डिस्क्रिप्शन, कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स, कोलेजन एंड रेटिकुलर एंड सेवरल काइंड ऑफ सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट्स या मैक्रोफेजेस या प्लाज्मा सेल्स, एडिपोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स, इनके अंदर होता है एम्बेडेड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस। लोकेशन इनकी कहाँ पे, तो सबकुटेनियस लेयर डीप टू स्किन, पेपिलरी सुपरफिशियल रीजन ऑफ डर्मिस ऑफ स्किन, लेमिना प्रोप्रिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन,
एंड अराउंड ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड बॉडी ऑर्गन्स। फंक्शन क्या करती हैं कि स्ट्रेंथ देती हैं, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट। सी यू लूज एड फाइब्रोब्लास्ट में कोलेजन फाइबर्स एडिपोसाइट्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू डिस्क्रिप्शन, अ नेटवर्क ऑफ इंटरलेसिंग रेटिकुलर फाइबर्स एंड रेटिकुलर सेल्स, जिसके अंदर रेटिकुलर फाइबर्स और रेटिकुलर सेल्स होते हैं। लोकेशन इनकी कहाँ पर पाए जाते हैं, स्ट्रोमा में सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ लिवर स्प्लीन लिफ नोड्स रेड बोन मैरो विच गिव राइज टू ब्लड सेल्स रेटिकुलर लेमिना ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड अराउंड ब्लड वेसल्स एंड मसल्स। फंक्शन क्या होता है, फॉर्म स्ट्रोमा ऑफ ऑर्गन्स बाइंड टूगेदर स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल को ज्वाइन करता है। टिश्यू सेल्स फिल्टर एंड रिमूव्स वर्न आउट ब्लड सेल्स इन द स्प्लीन एंड माइक्रोब्स इन लिम्फ नोड्स। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू डिस्क्रिप्शन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स लुक्स शाइनी वाइट कंसिस्ट्स मेनली ऑफ कॉलेजिन फाइबर्स रेगुलरली अरेंज्ड इन बंडल्स फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट इन रोज बिटवीन बंडल्स। लोकेशन की क्या होती है, फॉर्म्स टेंडन्स अटैच मसल टू बोन, सही मसल टू बोन कनेक्ट करता है। मोस्ट लिगामेंट्स होते हैं अटैच बोन टू बोन एंड एपोन्यूरोसिस शीट लाइक टेंडन्स दैट अटैच मसल टू मसल और मसल टू बोन। फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर्स। डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू डिस्क्रिप्शन, कंसिस्ट्स प्रीडोमिनेंटली ऑफ कॉलेजन फाइबर्स रैंडमली अरेंज्ड एंड अ फ्यू फाइब्रोब्लास्ट्स। लोकेशन इनकी काम करती है फेसिका टिश्यू बीनीथ स्किन एंड अराउंड मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स, इनकी भी हमें स्किन के नीचे मसल्स और दूसरे ऑर्गन्स में। रेटिकुलर डीपर रीजन ऑफ डर्मिस ऑफ स्किन, पेरोस्टियम ऑफ बोन, पेरिकोंड्रियम ऑफ कार्टिलेज एंड जॉइंट कार्पसल्स मेम्ब्रेन कैप्स्यूल्स अराउंड वेरियस ऑर्गन्स किडनीज लिवर टेस्टिस लिम्फ नोड्स पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट एंड हार्ट वाल्व्स। फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकत। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू डिस्क्रिप्शन, कंसिस्ट प्रीडोमिनेंटली ऑफ फ्रीली ब्रांचिंग इलास्टिक फाइबर्स फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन स्पेसेस बिटवीन फाइबर्स। लोकेशन इनकी कहाँ पर होती है, लंग टिश्यू वॉल ऑफ इलास्टिक आर्टरीज ट्रेकिया ब्रोंकियल ट्यूब्स ट्रू वोकल कॉर्ड्स सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ पीनस एंड सम लिगामेंट्स बिटवीन वर्टिब्रे। फंक्शन इनकी क्या होता है, अलाउ स्ट्रेचिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है वेरियस ऑर्गन्स को। ये इलास्टिक फाइबर्स हैं। कार्टिलेज हाइलेन कार्टिलेज डिस्क्रिप्शन क्या है, कंसिस्ट ऑफ ब्लूइश वाइट शाइनी ग्राउंड सब्सटेंस विद थिन फाइन कॉलेजन फाइबर्स एंड मेनी कॉन्ड्रोसाइट्स मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज। हमारे पास हाइलेन कार्टिलेज है। लोकेशन इसकी क्या है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स के एंड पे पाया जाता है। एंटीरियर एंड्स ऑफ रिब्स, एंटीरियर एंड ऑफ रिब पे पाया जाता है। नोज पार्ट्स ऑफ लेरिंग्स ट्रेकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड एम्ब्रियोनिक एंड फीटल स्केलेटन पे पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है, इनका प्रोवाइड स्मूथ सरफेसेस फॉर मूवमेंट एंड जॉइंट्स एज वेल एज फ्लेक्सीबिलिटी एंड सपोर्ट। सही, स्मूथ सर्फेसिस प्रोवाइड करता है जॉइंट्स में और मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स करवाता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देता है। फाइब्रोकार्टिलेज डिस्क्रिप्शन, कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट स्कैटर्ड अमंग थिक बंडल्स ऑफ कॉलेजिन फाइबर्स विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। लोकेशन इसकी क्या होती है, पब्लिक सिम्फेसिस प्यूबिक सिम्फेसिस पॉइंट वेयर हिप बोन्स ज्वाइन एंटीरियरली इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं, डिस्क बिटवीन वर्टिब्रा और मेनी सेक कार्टिलेज पैड्स होते हैं ऑफ नी एंड पोर्शंस ऑफ टेंडन्स दैट इंसर्ट इनटू कार्टिलेज। फंक्शंस क्या होते हैं, सपोर्ट एंड फ्यूजन। मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज जो क्या होता है, डिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट लोकेटेड इन अ थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। लोकेशन इनकी क्या होती है, लिप ऑन टॉप ऑफ लेरिंग्स एपिग्लॉटिस के ऊपर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एयर्स ऑरिकल में एंड ऑडिटरी स्टेकियन ट्यूब्स। फंक्शन क्या होता है, गिव्स सपोर्ट एंड मेंटेन शेप्स। बोन्स टिश्यू कॉम्पैक्ट बोन डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ऑस्टियोन्स हेवर्सन सिस्टम दैट कंटेन्स लेमिला ल्यूकेना ऑस्टियोसाइट्स कैनालिकुलाई एंड सेंट्रल हेवर्सन कैनाल्स। बाय कॉन्ट्रास्ट स्पंजी बोन टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ थिन कॉलम्स कॉल ट्रेबिकुलाई स्पेसिस बिटवीन ट्रेबिकुलाई आर फिल्ड विद रेड बोन मैरो। लोकेशन क्या होती है, बहुत कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी बोन टिश्यू मेक अप द वेरियस पार्ट्स ऑफ बोन्स ऑफ द बॉडी।
फंक्शंस क्या होते हैं इनके, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, हाउसेस, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, सर्व्स एज लिवर्स दैट एक्ट विद मसल टिश्यूज टू एनेबल मूवमेंट. लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड. डिस्क्रिप्शन, कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, रेड ब्लड सेल्स बनाता है, एरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स. लोकेशन क्या होती है, विद इन ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, आर्टियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स, एंड विद इन द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. फंक्शन इनका क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड, वाइट ब्लड सेल्स कैरी ऑन फैगोसाइटोसिस एंड आर इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस एंड इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सेज. प्लेटलेट्स आर एसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मसल्स टिश्यू. डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रिएटेड फाइबर्स विद मैनी पेरिफेरली लोकेटेड न्यूक्लाई, वॉलंट्री कंट्रोल, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. लोकेशन क्या होता है, यूजली अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स. फंक्शन क्या होता है, मोशन, पोस्चर, प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन होता है, हीट प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन. मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मसल्स. डिस्क्रिप्शन, ब्रांच स्ट्रिएटेड फाइबर्स विद वन और टू सर्टेनली लोकेटेड न्यूक्लाई, कंटेंस एंटर कैलेटेड डिस्क. इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है हमारे, इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता कार्डियक मसल्स पे. लोकेशन इसकी हार्ट वॉल. फंक्शन इसके क्या होता है, पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. स्मूथ मसल टिश्यू. डिस्क्रिप्शन, स्पिंडल्स शेप्ड थिकेस्ट इन मिडल एंड टैबरिंग एट बोथ एंड्स, नॉन स्ट्रिएटेड फाइबर्स विद वन सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है हमारे इस पर. लोकेशन इसकी क्या होती है, आयरस ऑफ द आई, वॉल्स ऑफ हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर सच एज ब्लड वेसल्स, एयर वेस्ट टू द लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइंस, गाल ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर एंड यूट्रस. फंक्शन इसके क्या होता है, मोशन इनकी, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर वेस्ट, प्रोपल्शन ऑफ फूड थ्रू गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लडर एंड गाल ब्लडर. से स्मूथ मसल्स. नर्वस टिश्यू. डिस्क्रिप्शन, कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लिया. न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड प्रोसेसेस ऑफ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी मल्टीपल डेंड्राइट्स अ सिंगल एंड अ सिंगल एक्सॉन. से मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होते हैं. न्यूरोग्लिया क्या होते हैं, डू नॉट जनरेट और कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस बट हैव अदर इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग फंक्शंस. लोकेशन इसकी क्या होती है, नर्वस सिस्टम. फंक्शन इसकी क्या होता है, एग्जिबिट्स सेंसिटिविटी टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई, कन्वर्ट स्टिमुलाई इंटू नर्व इम्पल्सिस, एक्शन पोटेंशियल्स एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस टू अदर न्यूरोन्स, मसल फाइबर्स और ग्लैंड्स. फंक्शन क्या होता है कि कन्वर्ट स्टिमुलाई को नर्व इम्पल्सिस के अंदर कन्वर्ट करता है और उनको कंडक्ट इन नर्व इम्पल्सिस कंडक्ट करता है ताकि दूसरे न्यूरोन्स को या मसल फाइबर्स को या ग्लैंड्स को पहुँचा सके. से नर्वस टिश्यू कि इसके में सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स और एक एक्सन होता है. सही है. मेम्ब्रेन्स. मेम्ब्रेन्स क्या होती है, मेम्ब्रेन्स आर शीट्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड देयर सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज दैट कवर और लाइन इंटरनल स्ट्रक्चर्स और कैविटीज. द मेन मेम्ब्रेन्स आर म्यूकस, सीरस एंड साइनोवियल. मेम्ब्रेन क्या है कि ये एपिथेलियल टिश्यूज की एक शीट होती है जो कि कनेक्ट करती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, जो कि कवर करती है इंटरनल स्ट्रक्चर्स के और कैविटीज़ को. इसमें हमारे पे तीन मेन टाइप्स आती हैं, म्यूकस एंड सेरस एंड साइनोवियल. म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन कैविटीज़ दैट ओपन टू द एक्सटीरियर सच एज द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक. सीरियस मेम्ब्रेन लाइन क्लोज कैविटीज़, जो कि क्लोज कैविटीज़ को करती हैं प्लूरा, पेरिकार्डियम या पेरिटोनियम एंड कवर द ऑर्गन्स इन द कैविटीज. दीज मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पेरिटोनियल एंड विसरल लेयर्स. साइनोवियल मेम्ब्रेन्स लाइन जॉइंट कैविटीज, ब्रूशे एंड टेंडन्स, शीट्स एंड कंसिस्ट ऑफ एरुलर कनेक्टिव टिश्यू इंस्टेड ऑफ एपिथीलियम. ग्लैंडुलर एपिथीलियम. सही है. ए हमारे पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्क्रिप्शन क्या, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स या हॉर्मोन्स बनाते हैं डिफ्यूज इन टू ब्लड आफ्टर पासिंग थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड. लोकेशन इसकी क्या होती है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड पिट्यूटरी ग्लैंड एट बेस ऑफ ब्रेन, पीनियल ग्लैंड इन ब्रेन, थायरॉयड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स नियर लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स, एड्रिनल ग्लैंड सुपीरियर टू किडनीज, पैंक्रियाज नियर स्टमक, ओवरीज इन पेल्विक कैविटी, टेस्टिस इन स्क्रोटम एंड थायमस इन थोरेसिक कैविटी. फंक्शन इसके क्या होता है, प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट वेरियस बॉडी एक्टिविटीज. से एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड. नेक्स्ट हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. डिस्क्रिप्शन, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज इन टू डक्ट्स, जो कि डक्ट्स में सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं. लोकेशन की क्या होते हैं, स्वेट ऑयल्स,
स्वेट ऑयल एंड एयर वैक्स ग्लैंड ऑफ द स्किन, डाइजेस्टिव ग्लैंड सच एज सलाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट इनटू माउथ कैविटी एंड पैंक्रियास विच सीक्रेट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस सब्सटेंसेस सच एज स्वेट ऑयल एयर वैक्स सलाइवा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सही, एक्सोक्राइन ग्लैंड स्वेट ग्लैंड की एग्जाम्पल है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।